हेलो दोस्त, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज अपन ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन का पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन का टॉपिक समझेंगे, जो एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन करती है। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक वो है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन। और मैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन को बच्चों आपको डेमोग्राफी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। किस फॉर्म में? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के फॉर्म में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या होता है डेमोग्राफी? डेमोग्राफी का मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डेमोग्राफी कहलाता है। और जब भी डेमोग्राफी की बात होती है तो सेंसेस की बात जरूर होगी। सेंसेस का मतलब जनगणना, जनगणना की बातें जरूर होती है साहब। जनगणना, सेंसेस क्या है? ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस कहलाता है, जनगणना कहलाता है। और जनगणना का एक रूल है साहब, एक नियम है जनगणना का। ईच डिकेड, ईच डिकेड वेरी फर्स्ट ईयर, वेरी फर्स्ट ईयर फर्स्ट फोर मंथ, जो जनगणना होता है हर 10 साल के पहले साल के 4 ही महीने में होगा। जैसे कि जनगणना 2011 में हुआ, अब कब हुआ होगा? 2021 के पहले साल के पहले 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ही होगा। ठीक, चलिए थोड़ा कुछ और पॉइंट आपको समझ लेना है, जो पॉइंट मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाया था लेकिन आज यहां से रिलेट है तो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे, ये रहा इंडिया का पॉपुलेशन और ये रहा बेटा वर्ल्ड का पॉपुलेशन। ये इंडिया का पॉपुलेशन है, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन। सबसे पहले सन 2001 की बात करेंगे, फिर सन 2011 की बात करेंगे। ठीक, 2001 के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन 1.02 बिलियन था, 1.02 बिलियन था, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 बिलियन था। 2011 में यही पॉपुलेशन 1.21 बिलियन हो गया और वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7 बिलियन हो गया, 7 बिलियन हो गया। मतलब वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 17% हिस्सा हमारे पास है। मतलब कि हम 17% हिस्सा टोटल पॉपुलेशन का अपने पास रखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो रे बेटा कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में इंक्रीज कर रहा है। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 17% हिस्सा हमारे पास है, 17% हिस्सा हमारे पास है बच्चों। तो देखिए किस लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट समझते हैं। चलो बेटा कुछ और स्पेशल भी पॉइंट है, उस स्पेशल पॉइंट को भी अपन पहले समझ ले। स्पेशल पॉइंट क्या क्या बात आपसे एनसीईआरटी बुक कहती है, थोड़ा स्पेशल पॉइंट अपन समझते हैं एक बार। सबसे पहले अपन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को बेटा अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज अपॉन यूनिट एरिया, अपॉन यूनिट एरिया, यही पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब यूनिट एरिया के अंदर स्पीसीज के टोटल कितने इंडिविजुअल हैं, यूनिट एरिया के अंदर स्पीसीज के टोटल कितने इंडिविजुअल हैं, वही उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है। यूनिट एरिया के अंदर स्पीसीज के टोटल कितने इंडिविजुअल हैं, वही उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है। दो पॉइंट मैं आपको पहले ही इंडिकेट कर देता हूं कि जब भी
इक्वल का कंपेयर हो, इक्वल कंपेयर हो, तो आप नंबर फाइंड आउट करके, नंबर देख के आप पॉपुलेशन डेंसिटी बताइएगा। और जब भी एकदम छोटे और स्मॉल और लार्ज में कंपेयर हो, तब आप बायोमास या परसेंटेज कवर एरिया, परसेंटेज कवर एरिया देख के आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा मान के चलिए ये एक यूनिट एरिया है, और इस यूनिट एरिया के अंदर थोड़ा देखना बेटा, ये एक यूनिट एरिया है और यूनिट एरिया के अंदर 400 पाइनस के प्लांट हैं, 400 पाइनस, 200 एबीस के प्लांट हैं और 50 देवदार के प्लांट है, देवदार के प्लांट हैं। तो मैंने आपसे कहा है पाइनस, एबीस, देवदार तीनों प्लांट हैं, तीनों ट्री हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब इक्वल का कंपेयर हो तो नंबर देखना, जिसका नंबर ज्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे किसका नंबर ज्यादा है, पाइनस का नंबर ज्यादा है, और जब पाइनस का नंबर ज्यादा है तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। अगला पॉइंट सुनिएगा, मान के चलिए मैंने एक और यूनिट एरिया ले लिया और मैंने कहा इस यूनिट एरिया के अंदर ये बहुत बड़ा बनियन ट्री है, एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है, ये रहा एक बनियन ट्री, और यही पे 200 पार्थेनियम ग्रास है, 200 पार्थेनियम ग्रास है, कितने ग्रास है, 200 पार्थेनियम ग्रास है, 200 पार्थेनियम ग्रास है। इस पार्थेनियम ग्रास को अपन कैरेट ग्रास भी कहते हैं, क्योंकि इनके लीफ का शेप कैरेट की तरह होता है। इनको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय पे ये पार्थेनियम ग्रास आई थी, इसीलिए इसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा है कि जब एकदम छोटे एकदम बड़े में कंपेयर हो तो आपको बायोमास देखना है। बताइए 200 पार्थेनियम ग्रास और एक बनियन ट्री में किसका बायोमास ज्यादा, तो आप कहिएगा सर बनियन ट्री का बायोमास ज्यादा। अरे जिसका बायोमास ज्यादा बेटा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा है परसेंटेज कवर एरिया, इसने कितना परसेंटेज एरिया को कवर किया है, इतना इसने एक ट्री ने कितना परसेंटेज एरिया को कवर किया है। अरे जो ज्यादा परसेंटेज एरिया को कवर किया है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये कुछ बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी, और जो बात मेंशन कर रही थी मैंने आपको अभी लिख दिया, नोट कर लीजिए। तब तक अगला पॉइंट कि हर बार पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं हो सकती, हर बार पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं हो सकती। और जब पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं हो सकती, तब आप रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हर बार पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं हो सकती, और जब एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं होगी तब आप रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एक पॉन्ड के अंदर मछलियां हैं, पहला एग्जांपल फिशेस इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के अंदर मछलियां हैं, क्या आप इसको एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा एब्सोल्यूट फाइंड आउट, क्योंकि जिस मछली को आप इधर काउंट किए रहेंगे हो सकता है वो मछली इधर भी आ जाए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे रिलेटिव ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, आप चारों कॉर्नर पे एक ट्रैप लगा लीजिए, यहाँ पे एक ट्रैप लगा लो, यहाँ पे एक ट्रैप लगा लो, यहाँ पे लगा लो, और आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए। या ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाएगा। दूसरा बैक्टीरियल कल्चर,
आप बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरिया की भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है, क्या आप उसे गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे साहब, और गिनने भी बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है गिनने बैठ गए आप एब्सोल्यूट गिन ही ना पाए, तो नहीं हो सकता। तो कैसे किया जाए? दो आप पेट्रिक्लेट ले लीजिए, मान के चलिए मैंने दो पेट्रिक्लेट ले लिया, ये रहा पेट्रिक्लेट, ठीक है, और इस पेट्रिक्लेट के अंदर आप यूनिटेरिया ले लीजिए, आप इस पेट्रिक्लेट के अंदर यूनिटेरिया ले लीजिए और इसके अंदर भी बैक्टीरिया को रख दीजिए, इसके अंदर भी बैक्टीरिया को रख दीजिए, और जब यूनिटेरिया लीजिएगा तो बराबर का एरिया लेना है, और जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, सॉरी जिसका बायोमास ज्यादा, आप यूनिटेरिया में देख लीजिए, जिसकी जिसका बायोमास ज्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, मान के चलिए मैंने कहा बी वाले का बायोमास ज्यादा है, तो जिसकी बायोमास ज्यादा होगी उसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगा। एक पॉइंट और है बच्चों की, आप हर बार डायरेक्ट सेंसेस नहीं कर सकते, जब डायरेक्ट सेंसेस नहीं हो सकता तो उस समय आपको इनडायरेक्ट सेंसेस करना पड़ता है, तो हर बार आप डायरेक्ट सेंसेस नहीं कर सकते, और जब डायरेक्ट सेंसेस नहीं कर सकते तो उस समय आपको इनडायरेक्ट सेंसेस करना पड़ता है। आपको इनडायरेक्ट सेंसेस करना पड़ता है, जैसे कि आप किसी फॉरेस्ट के अंदर जाके डियर को काउंट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट है, लेकिन किसी फॉरेस्ट के अंदर जाके आप लॉयन को काउंट कर पाएंगे डायरेक्ट? नहीं, भारी पड़ जाएगा। ऐसा ना हो कि आप काउंट करने गए, लॉयन ही आपको काउंट करके खा गया। ठीक, तो हर बार एब्सोल्यूट, सॉरी हर बार डायरेक्ट नहीं हो सकता। टाइगर को आप डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब इनडायरेक्ट जब बच्चों डायरेक्ट सेंसेस ना हो पाए तब इनडायरेक्ट सेंसेस किया जाता है, जैसे कि टाइगर सेंसेस, टाइगर सेंसेस डायरेक्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट में कैसे किया जाएगा, उसके पग मार्क को देखा जाता है, या बच्चों उसके फीकल पैलेट को देखा जाता है। हर टाइगर का लेफ्ट वाला पैर यूनिक होता है, तो फॉर्मर वहां पे जितने भी लोग होते हैं देख लेते हैं कितना लेफ्ट पैर यूनिक है, उतना टाइगर है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? तो और आपको पता है कि अपना बायां हाथ देखिए और दूसरे का बायां हाथ देखिए, दोनों का बायां हाथ आपको यूनिक देखने को मिलेगा। तो हर बार डायरेक्ट सेंसेस नहीं हो सकता। तो कुछ पॉइंट एनसीईआरटी बुक जो आपसे बेटा मेंशन कर रही थी वो आपके सामने है, नोट करो। चलिए देखिए ये 1 मिनट। चलो बच्चों आए, कुछ और भी टर्म, छोटा छोटा टर्म है उसे समझ लेते हैं। बर्थ रेट क्या होता है? व्हाट इज बर्थ रेट? बर्थ रेट को अपन नेटिलिटी के नाम से पुकारते हैं, नेटिलिटी के नाम से पुकारते हैं। क्या होता है बर्थ रेट, आइए समझ लेते हैं। बर्थ रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये इनिशियल मैंने लिया है, और जब भी बर्थ रेट डेथ रेट को निकाला जाता है तो ह्यूमन को फॉलो किया जाता है, ह्यूमन को बेस बना के बर्थ रेट और डेथ रेट को निकाला जाएगा। रिपीट करता हूं, जब भी बर्थ रेट या डेथ रेट निकाला जाता है या बर्थ रेट या डेथ रेट के बारे में बताया जाता है तो ह्यूमन को बेस बना के बताया जाता है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर उसी को अपन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, वही बर्थ रेट कहलाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको मैं समझाऊं, तो मैंने कहा मान के चलिए 20 लोटस के प्लांट हैं और एक साल के अंदर 28 हो गए, एक साल के अंदर 28 लोटस के प्लांट हो गए, बताइए बर्थ रेट क्या है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, सोच समझ के थोड़ा टाइम लेके बताइए बर्थ रेट क्या है, क्या
क्या होगा बर्थ रेट, तो यही होगा 8/20 0.4 पर लोटस पर ईयर। आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करना है, अगर साल दिया है तो साल करना है, मंथ दिया है तो मंथ करना है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, 8 पे 0.1 है तभी तो 20 पे 8 है, सॉरी 8 पे 0.4 है तभी तो 20 पे 8 है, 8 पे 0.4 है तभी तो 20 पे 8 है। तो ये रहा बर्थ, ठीक, बर्थ रेट। दूसरा इसी के नीचे तो मैं लिख देता हूं, बर्थ रेट के अलावा बेटा होता है डेथ रेट, और जो डेथ रेट होता है उसको अपन मोर्टेलिटी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? मोर्टेलिटी के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन, अपॉन टोटल पॉपुलेशन की डेथ रेट कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सॉल्व करिए, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं। कि मान के चलिए मैंने कहा 40 फ्रूट फ्लाइज एक मंथ के अंदर 36 फ्रूट फ्लाई हो गई, तो बताइए बर्थ रेट क्या होगा, निकाल दो, 2 सेकंड के अंदर क्या होगा। अरे देख के निकालो ना, क्या आएगा बेटा 4/40 मतलब 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर मंथ। मैंने आपसे पहले ही कहा है क्वेश्चन को देख के ही आपको आंसर निकालना है, मंथ पूछा है तो मंथ निकालना है, अगर ईयर पूछेगा तो बच्चों आपको ईयर निकालना है। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिए, सिक्स रेशियो क्या होता है, व्हाट इज सिक्स रेशियो। सिक्स रेशियो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल अपॉन 1000 मेल, वही उस एरिया की सेक्स रेशियो है, वही उस एरिया की सेक्स रेशियो है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मान के चलिए कि बेटा मैंने कहा कि एक पॉपुलेशन है, और आपको मैंने पॉपुलेशन का मतलब बताया है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज के मेंबर देखने को मिलते हैं तो वही पॉपुलेशन है। मान के चलिए कि मैंने कहा इस पॉपुलेशन के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखना, इस पॉपुलेशन के अंदर 60% फीमेल है, 40% मेल है, तो इन दोनों को मिला के बेटा अपन किस नाम से पुकारेंगे, अरे यही तो सेक्स रेशियो है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक। तो इसे नोट करिए, तब तक फिर अपन अगला टॉपिक समझते हैं बेटा, ठीक। आओ बच्चों अगला टॉपिक समझते हैं। कि मैंने आपसे कहा है बर्थ रेट डेथ रेट, थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा, किसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बर्थ की वजह से कि डेथ की वजह से। अरे जब पैदा होगा लोग तभी तो बढ़ेगा पॉपुलेशन, मरेगा तो पॉपुलेशन कम होगा। लेकिन हर बार बर्थ से ही पॉपुलेशन बढ़े ये एक्यूरेट जरूरी नहीं है। जो लोग हमारे देश के नहीं हैं वो भी अगर हमारे देश में है तो उनके वजह से भी तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जो इमिग्रेशन है, जो हमारे देश के हैं लेकिन हमारे देश में नहीं है, कहीं और है, उनके वजह से भी तो पॉपुलेशन कम हो रहा है, इमिग्रेशन। तो आइए उसको एक बार देख लेते हैं कि ये रहा बेटा पीजी, पीजी का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक, पॉपुलेशन ग्रोथ दिख रहा है आपको। और मैंने ये कह दिया कि 4 एरो मैंने बनाया है और मैंने कह दिया कि ये इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन, और ये है एमाइग्रेशन है, इमिग्रेशन, एमाइग्रेशन। ई का मतलब जो हमारे देश के हैं
लेकिन आज वो हमारे देश में नहीं किसी और देश में एग्जिट, ठीक। और आई का मतलब इन, जो हमारे देश के नहीं है लेकिन हमारे देश में आए हैं, तो ये तो पॉपुलेशन बढ़ा ही रहे हैं लेकिन ये पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं साहब। अगला कि जो बर्थ होता है, जो बर्थ बर्थ से अच्छा आप लिख लीजिए कि जो नेटेलिटी है और जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी की वजह से पॉपुलेशन कम हो रहा है, नेटेलिटी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपको इसके ऊपर एक फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला आपको एकदम समझना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस आई समझ पा रहे, माइनस ई प्लस एम, एन प्लस आई माइनस ई प्लस एम, ये हमारा एक हो गया। चाहे आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, समझ रहे हैं, ठीक। अगला पॉइंट कि अगर बी प्लस आई डी प्लस ई से ज्यादा हो गया तो ग्रोथ पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव ग्रोथ मतलब लोग हमारे देश में आएंगे ज्यादा, पैदा होंगे ज्यादा, तो जाहिर सी बात। लेकिन अगर ये ही अपोजिट हो गया, बी प्लस आई कम हो गया, बी प्लस ई ज्यादा हो गया, तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो गया। और बेटा जब यहीं पे बी प्लस आई और डी प्लस ई दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो ग्रोथ हो गया। मान के चलिए कि मैं कह रहा हूं कि 100 लोग पैदा होते हैं, 100 लोग मर जाएंगे, तो क्या कोई ग्रोथ होगी? कोई ग्रोथ नहीं होगी, जीरो ग्रोथ। इसी को बेस बनाते हुए आपकी एनसीईआरटी बुक ने एक फॉर्मूला लिखा है, तो उस फॉर्मूले को आप एक बार देखिएगा। एनसीईआरटी बुक लिखती है कि एन टी प्लस वन इज इक्वल टू NT plus B plus I माइनस डी प्लस ई, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। और ये यहां पे इसका मतलब है, तो NT का मतलब होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन, NT प्लस वन का मतलब होता है पॉपुलेशन आफ्टर यूनिट टाइम, ये एनटी प्लस वन है। और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है क्योंकि इस फॉर्मूले पे कई बार इंडिया क्वेश्चन पूछा है। आइए इसे फॉर्मूले पे क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन करिएगा। मान के चलिए कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैंने कह दिया कि एनटी है 100, ठीक है, और एक साल के अंदर बी 20 हो गया, आई 10 हो गया, और ई आपका 10 हो गया, और आपका डी 5 हो गया, तो बताइए एनटी प्लस वन कितना आएगा, एनटी प्लस वन क्या आएगा? तो सीधी सीधी बात है कि इस फॉर्मूले पे पुट करिए, यहां पे 100 हो गया, 20 प्लस बी प्लस आई मतलब 20 प्लस 10 30 हो गया, और ई प्लस डी 15 हो गया, मतलब कि 30 माइनस 15 15 बचा, 100 115 आएगा, तो 115 एनटी प्लस 1 आ गया साहब। तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके, नोट करो तो बच्चों इसे। हो गया, हाँ आ जाओ बच्चों, अगला टॉपिक अपन समझ लेते हैं। कि जो पॉपुलेशन की साइज है, जो पॉपुलेशन साइज है, इतना पढ़ाने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कम भी हो सकती है पॉपुलेशन की साइज, और पॉपुलेशन की साइज ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा का मतलब कि ये मिलियन में भी हो सकता है, जैसे कि पॉन्ड के अंदर क्लेमाइडोमोनास है,
आपको पता है ना क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, बहुत छोटे हैं, तो पॉन्ड के अंदर उनकी संख्या कम होगी कि ज्यादा? मिलियन में होगी। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, क्लेमाइडोमोनास, ठीक, और कम के अंदर कितना कम, तो 10 से भी कम हो सकता है, 10 से भी बच्चों बिलो 10 हो सकता है, बिलो मैंने ये लिख दिया, बिलो 10 हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने नाम सुना होगा साइबेरियन क्रेन का, आपने नाम सुना होगा साइबेरियन क्रेन, ठीक। दो पॉइंट आपको समझना है, अगर ये वाली लाइन समझ में आए तभी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा कि सर समझ में आया है। बर्थ डेथ सेक्स रेशियो इंडिविजुअल का कैरेक्टर है, बर्थ डेथ सेक्स रेशियो इंडिविजुअल का कैरेक्टर है, बर्थ रेट डेथ रेट कम्युनिटी का नहीं पॉपुलेशन का कैरेक्टर है। रिपीट करता हूं, बर्थ डेथ सेक्स रेशियो इंडिविजुअल का कैरेक्टर है, बर्थ रेट डेथ रेट ये पॉपुलेशन का कैरेक्टर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा पहले ही कि नोट में डाल के आपको लिख लेना है ये पॉइंट की, बर्थ डेथ और सेक्स रेशियो इंडिविजिबल का कैरेक्टर है, बर्थ रेट सॉरी बर्थ डेथ, बर्थ रेट डेथ रेट और सेक्स रेशियो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, पॉपुलेशन का कैरेक्टर है। तो जो भी छोटी छोटी बात एनसीईआरटी बुक आपसे अभी मेंशन कर रही थी वो मैंने आपको बेटा यहाँ पे समझा दिया है क्या क्या बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही है। अब आइए एज सेक्स पिरामिड की बात करते हैं, थोड़ा समझने वाला है एज सेक्स पिरामिड, थोड़ा ध्यान से समझिएगा एज सेक्स पिरामिड, थोड़ा ध्यान से बेटा समझना एज सेक्स पिरामिड क्या होता है। और एज सेक्स पिरामिड को समझने के लिए पहले आपको कुछ बातें जानना पड़ेगा, तो आइए उन बातों को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई बिलो 15 ईयर है, बिलो 15 ईयर है तो उसे प्री रिप्रोडक्टिव कहा जाता है, अगर कोई 15 से 44 ईयर है तो उसे रिप्रोडक्टिव कहा जाता है, अगर कोई मोर देन 45 ईयर है, मोर देन 45 ईयर है तो उसे अपन पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं। मैंने पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या बातें मान के मैंने मोर देन 45 लिखा है, तो मेनोपॉज को मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। मेनोपॉज आपको पता है 45 साल के बाद एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगा, तो फीमेल फिर कभी माँ नहीं बन सकती। अगला पॉइंट बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन इनकी वजह से बढ़ता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इनकी वजह से बढ़ता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव की वजह से होगा, क्योंकि यही अभी हैं जो सेक्स करते हैं, जो क्वाइटस करते हैं, जो बच्चों को पैदा कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री का फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगा वो ये डिसाइड करते हैं, फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगा वो ये डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करेंगे। तो आइए इन तीनों को अपने दिमाग में रखना है, तब अपन लोग तीन पिरामिड समझते हैं। एज सेक्स पिरामिड क्या है, तो आप विश्वास है कि आप लिख चुके होंगे, नहीं लिखे तो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं बेटा पिरामिड समझते हैं, और आज केवल पिरामिड ही समझेंगे, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा और इसका पार्ट बचेगा जो अपन खत्म कर देंगे, क्योंकि आप भी एक घंटे का वीडियो नहीं पसंद करते होंगे। कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि 15 से 20 मिनट में हर चीज बता दी जाए, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं। चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं तीन पिरामिड यहां पे बना रहा हूं, तीन पिरामिड, ये एक पिरामिड है और ये दूसरा पिरामिड है और ये
तीसरा पिरामिड है। ये इसको भी आप ऐसे कर दीजिए, अब वही बात जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला हो गया, आप लिख लीजिए मोर देन, ये एम लिखा है मोर देन मैंने 45 इयर्स, ये इसको रिप्रेजेंट किया, और ये 15 से 44 इयर्स ये इसको रिप्रेजेंट किया, और ये बिलो 15 इयर्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी ऐसे ही सब वही चीज यही थी, ठीक। ये इधर वाला प्री रिप्रोडक्टिव है, ये वाला रिप्रोडक्टिव है, और ऊपर वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी कंट्री में इनके वजह से पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ सकता, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव की वजह से नहीं बढ़ सकता। थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा, ध्यान से पढ़ना कि एक समय ऐसा आएगा कि प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव को रिप्लेस करेगा, ये इसके जगह पे जाएगा, और रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव को रिप्लेस करेगा, ये किसको रिप्लेस करेगा, ये किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, अब ये मर जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पॉइंट, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो इतना रिप्लेस करेगा, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो इतना रिप्लेस करेगा। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो इतना रिप्लेस करेगा, बताइए इस कंट्री का पॉपुलेशन डिक्लाइन एक्सपेंडिंग कि स्टेबल? एक्सपेंडिंग होगा, बिल्कुल एक्सपेंडिंग होगा, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं आज वो इसी कंडीशन में है। इधर देखिए, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको इतना ही तो रिप्लेस करेगा, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और जब ये इसको रिप्लेस करेगा तब ये इसको रिप्लेस करेगा, तो ये इसको कितना रिप्लेस करेगा? इतना ही तो रिप्लेस करेगा। तो इस कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ये रिप्लेस किया इसको, ये कितना रिप्लेस करेगा? इतना ही तो ये पॉपुलेशन जो है स्टेबल है, और जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो आज इसी कंडीशन में है। इधर बेटा, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, तो ये इसको इतना ही तो रिप्लेस करेगा, ये देखना थोड़ा ध्यान से, ये इतना ही तो रिप्लेस करेगा इसको। और एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का कम होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कम हो जाना अच्छी बात नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये इसको इतना ही तो रिप्लेस करेगा, ये इसको इतना ही तो रिप्लेस करेगा, और इतना भारी गैप आएगा, और इस गैप को भरने के लिए दूसरे देश के लोग आएंगे, और दूसरे देश के लोगों का किसी देश में आना उस देश के लिए फायदा नहीं है साहब, नुकसान है। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा, जो हमारे इंडिया में आके 200 सालों तक राज की थी। तो ये जिस भी कंट्री में ये पिरामिड होगा, ये स्टेबल है कि डिक्लाइन है? ये डिक्लाइन है, और आज चाइना इसी कंडीशन में है। चाइना की चालाकी देखिए, उसने पहले कहा हम दो हमारे एक, प्री रिप्रोडक्टिव को कम कर दिया, अब कहता है हम दो हमारे दो, एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना हो जाएगा तो ये इसको इतना रिप्लेस करेगा। आ रहा है समझ में? और ये स्टेबल हो जाएगा। चाइना बहुत चला कैसा। तो इतनी बात एनसीईआरटी बुक बेटा मेंशन कर रही थी, और आधे घंटे का और टॉपिक है, आधे नहीं 20 मिनट का और टॉपिक, उसको समझते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, एनसीईआरटी के लाइन पढ़िएगा, तो जरूर आप मैसेज करिएगा, सर बिल्कुल समझ में आया, जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसके लिए भी मैसेज करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।